हेलो फ्रेंड, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सूखे मटर की सब्जी बनाएंगे। तो सूखा मटर यानी कि हरा सूखा मटर की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूखा मटर लिया है। तो ये मटर है वो दो टाइप का आता है, एक येलो वाला भी आता है और एक हरा वाला भी आता है। तो यहाँ पे मैंने हरा वाला मटर लिया है, 1 कप सूखा हरा मटर लिया है। तो ये मटर को हम पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बाउल लिया है, तो हम बाउल में 1 कप डालेंगे, ये सूखा हरा मटर डालेंगे। उसके बाद हम उसमें पानी डाल के हम ये मटर को भिगोने के लिए रख देते हैं। तो ये मटर को मैं ओवरनाइट में भिगोने के लिए रख रही हूँ। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हो और 5-6 घंटे के लिए भी ये मटर को रख सकते हो। तो मैं ये मटर को ओवरनाइट में रख रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये मटर को ओवरनाइट मैंने भिगोने के लिए मैंने रख दिया है। अच्छे से मैंने 2-3 बार पानी से मैंने ये मटर को धो लिया है। तो ये मटर है वो दुगना हो गया है। तो इस तरह से ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दीजिए। तो ये मटर को बॉईल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा ये मटर रेडी है। कोई कह ही नहीं सकते कि ये सूखा वाला मटर है, ऐसा लगता है कि ये फ्रेश वाला मटर है। तो ये मटर को हम बॉईल करने के लिए कुकर में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर लिया है, कुकर में हम ये मटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप हमने भिगोने के लिए रखा है वो मैं पूरा का पूरा कुकर में डाल रही हूँ। मटर डाल दिया है, अब हम आधी स्पून जितना उसमें डालेंगे नमक डालेंगे। उसके बाद में उसमें पानी डाल देती हूँ। तो 1.5 ग्लास जितना मैंने ऊपर मैंने पानी डाला है। इस तरह से पानी डाल के ये मटर को बॉईल करने के लिए रखना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। हमने उसमें 1 कप मटर में हमने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। तो इस तरह से पानी डाल के ये मटर को बॉईल करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैं गैस पर मैं ये कुकर है वो मैं रख रही हूँ। गैस की फ्लेम अभी हाई है, हाई फ्लेम पर मैं ये कम से कम 4 से 5 विसल में लगाऊंगी, क्योंकि हमने ये मटर को ऑलरेडी हमने भिगोने के लिए रखा ही था। तो उसको बॉईल होने में टाइम नहीं लगेगा। वेजिटेबल को भी काट के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है एंड हरी मिर्च लिया है एंड ये है फ्रेश धनिया है। तो सबसे पहले हम ये टमाटर को हम काट के रेडी करेंगे। तो 2 टमाटर मीडियम साइज का लिया है, तो 2 टमाटर को पहले काट लेते हैं। हमने टमाटर, लहसुन, अदरक एंड प्याज इन सारी चीजें को हमने काट के रेडी कर लिया है। तो प्याज को मैंने पूरा का पूरा नहीं काटा है, मैंने आधा कप जितना मैंने प्याज को काट के रेडी कर लिया है, ज्यादा मैंने नहीं कट किया है। सब्जी को काट के मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम कुकर को भी चेक कर लेते हैं। कुकर भी ठंडा हो गया है, हमारा मटर भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल में मटर निकाल दिया है और थोड़ा सा मटर को मैंने मैश कर लिया था, तो एक ग्रेवी टाइप का हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। डालेंगे तेल यहाँ पे मैं 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैं यूज कर रही हूँ, आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। तेल हमारा गरम हो गया है, तो आधी स्पून जितना हम डालेंगे मस्टर्ड सीड, आधी स्पून जितना हम डालेंगे जीरा डालेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना ये है लहसुन है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे अदरक डालेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून जितना अदरक है। थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि लहसुन एंड अदरक है वो ना जले, क्योंकि गैस की फ्लेम अभी हाई है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम उसमें डाल ही देते हैं 1/2 कप हम डालेंगे प्याज। डालेंगे प्याज एंड लहसुन अदरक को अच्छे से भूनेंगे तेल के साथ।
लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम भुनेंगे। उसके बाद हम उसमें एक्स्ट्रा मसाला ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। तो हम उसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सब्जी का कलर भी अच्छा आएगा, स्पाइसी भी नहीं होगा। उसके बाद आधी स्पून जितना हम डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल के हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हींग डालना भूल गई थी, तो अभी मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी हम डाल सकते हैं। तो हींग डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया था ताकि ये लाल मिर्च पाउडर है वो ना जले। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे डाल देते हैं टमाटर, डाल देते हैं। तो टमाटर मैंने मीडियम साइज का 2 लिया था, तो टोटल ये 2 कप टमाटर है, कट किया हुआ 2 कप टमाटर है। टमाटर डाल के हम अच्छे से मिक्स करके हमें टमाटर को पकने के लिए रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें टमाटर को पकने के लिए रखेंगे। अभी हम टमाटर में डाल देते हैं नमक डालेंगे। ऑलरेडी हमने मटर में भी नमक डाला है, तो हम टमाटर का हिसाब का ही उसमें ऐड करेंगे। नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, मैंने टमाटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम ढक्कन बंद करके हम मीडियम फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये टमाटर है वो गल चुका है। तो देखिए हमारा ये टमाटर है वो अच्छे से गल चुका है। तो हम ये स्पून से भी इस तरह से मेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेशर से मैं थोड़ा सा मेश कर लूँगी, तो एकदम गाढ़ी ग्रेवी टाइप की ग्रेवी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा मेश कर लेती हूँ। टमाटर को अच्छे से मैंने मेश कर लिया है। ये ग्रेवी है वो गाढ़ी जैसी हो गई है। देखिए ये टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है। तो हम उसमें डालेंगे मटर डालेंगे। तो मटर को भी मैंने थोड़ा सा मेश कर लिया था। तो मैंने ये मटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो हम उसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ये वो ऑप्शनल है, आपको जो तीखा खाना पसंद नहीं है तो मत डालिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है। अब हम ढक्कन बंद करके हम एकदम मीडियम फ्लेम पर हम ये सब्जी को 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। हमारी ये मटर की सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम अभी मीडियम ही है, तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना ये है धनिया जीरा पाउडर है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे। तो हमारी परफेक्ट हमारी ये सूखा मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी है कि आप इस तरह से एक बार बनाओगे ना, तो दूसरी बार आपको ये सब्जी बनाने का जरूर मन करेगा। बहुत अच्छी बनती है और कोई कह ही नहीं सकते कि हमने ये सूखा मटर की सब्जी बनाई है। ऐसा ही लगता है कि हमने फ्रेश मटर की सब्जी बनाई है। बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आप एक बार बना के जरूर ट्राई करना। और ये सब्जी ऐसा नहीं है कि हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिना रोटी की बिना राइस की सिर्फ अकेली सब्जी खाने का मन करता है। और ये हरा मटर की सब्जी है वो हम एक चाट की तरह भी खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा चिवड़ा या सेव प्याज टमाटर डाल के थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी डाल के चाट की तरह भी हम ये खा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ये राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो और बिना रोटी के सिर्फ ये सब्जी भी खा सकते हो। तो आप इस तरह से बना के जरूर ट्राई करना। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हो। एंड मेरी जो दूसरी चैनल है संगीताज वर्ल्ड हेयर स्टाइल करके, उसको भी आप जरूर देख सकते हो। उसमें भी आपको नया नया वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।